हेलो गाइस, यू वॉचिंग एचवीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, हम जयपुर शहर के हैं और जयपुर शहर का फैशन तो सभी जानते हैं, लेकिन अब इस स्टाइल को, इस फैशन को, यहाँ के डिज़ाइनर्स को एक उड़ान मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं बहुत सारे फैशन शोज़। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, बताने नहीं, मिलाने वाले हैं कुछ फेमस डिज़ाइनर से, बात करने वाले हैं उनके डिज़ाइंस की, और ऑब्वियसली आपको देने वाले हैं स्टाइल टिप्स। सो गाइस, हमारे साथ हैं फैबुलस डिज़ाइनर हिम्मत जी। हिम्मत जी, मैं आपके डिज़ाइंस के बारे में पहले जानना चाहूँगी, कॉन्सेप्ट के बारे में। मेरी कॉन्सेप्ट शुरू से मेंसवियर रही है, और मेंसवियर के अंदर मैंने हमेशा ज़्यादातर अपनी फोकस को एथनिक वेयर पे रखा हुआ है, और इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए 15 गारमेंट्स मैंने एथनिक रखे और 15 गारमेंट्स मैंने वेस्टर्न रखे। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो वेस्टर्न गारमेंट्स हैं वो सारे खादी के अंदर हैं, और उसको मैंने खादी में इस मतलब इस लेवल पे मैं उसको लेकर गया हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये खादी है, और इतना उसके अंदर ग्रैंड लुक मैंने डाला है। और जहाँ तक बात रही एथनिक वेयर की, एथनिक वेयर में मैंने काफ़ी अच्छे फैब्रिक्स यूज़ किए हैं, जिसमें मेरे टेरिकॉट्स हैं, जिसमें मेरे कुछ किमका फैब्रिक्स हैं, हैंडमेड फैब्रिक्स ज़्यादा मैंने यूज़ किए हैं। और ज़्यादातर जहाँ तक कलर्स की बात है, कलर्स मैंने अपने जो एक सटल जो मेरे कलर्स हैं मैंने उन्हीं को प्ले किया है। थीम का नाम मैंने रखा है इंडो वेस्टर्न, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन एंड वेस्टर्न थीम। एंड इसके अंदर जो हमारी शो की जो ओपनिंग करेंगे वो सुपर नेशनल हैं, मिस्टर जितेश ठाकुर फ्रॉम जयपुर, सो ही इज़ डूइंग माई ओपनिंग। एंड क्लोजिंग करेंगे ओलंपिक के जो हमारे योगेश्वर दत्त हैं, जो रेसलर हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं 2012, उनको मैंने एज अ शो स्टॉपर लिया है, और वो मेरा शो स्टॉप करेंगे अभी। तो बेसिकली ये तो हुए आपकी सारी डिज़ाइंस के बारे में, कोई एक ऐसा डिज़ाइन जो जिससे आपको बहुत उम्मीदें हैं इस बार? डिज़ाइन जो मेरा बेसिकली देखिए, उम्मीद की जहाँ तक बात की जा सकती है, कुछ कपड़ों पे मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके साथ में लोगों ने पहले वो चीज़ें शायद देखी नहीं होंगी, और खादी में तो बिल्कुल नहीं देखी। तो जो खादी को लेके जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर जो मैंने लुक्स को डिफ़ाइन किया है वो काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा वेरेबल हैं, और बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टनेस है उसके अंदर, और आज की जो यूथ जो जनरेशन है वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। एंड इतना कह सकता हूँ कि खादी से लोगों को एक प्यार होने वाला है, और दूसरे जो मेरे जो इंडियन जो गारमेंट्स हैं उसकी कट्स में मैंने इतनी सुपीरियरिटी लेके आया हूँ कि लोगों को ये लगेगा कि एक एक जो हम हमेशा एक रॉयल टच देखते हैं हिम्मत सिंह के गारमेंट्स के अंदर, वो हमेशा मैंने उसको बरकरार रखने की कोशिश की है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ लोगों को कलेक्शन बहुत पसंद आएगा। और इसके अंदर एक सरप्राइज़ भी है मैंने रखा है, जो 5 बच्चे हैं उन किड्स को मैं एक रॉयल्टी के बेस के ऊपर लेकर आ रहा हूँ इनके अंदर, और वो लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग थीम है। बेसिकली क्या होता है कि मेंस के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते हैं पहनने के लिए, तो बीइंग ए डिज़ाइनर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या है? अभी हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड के अंदर नेहरू जैकेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, और नेहरू जैकेट के साथ में ब्रीचेस भी बहुत ज़्यादा इन है। अभी हाल ही में मैंने देखा नील की शादी में मैं गया था, वहाँ भी सारा टोटल लोगों ने बन गला, ब्रीचेस एंड नेहरू जैकेट्स को ज़्यादातर पहना हुआ था। तो क्या होता है कि बॉलीवुड में जब ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं तो ऑटोमेटिकली लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, और लोग अपने एक लाइफस्टाइल में इसको डेली रूटीन में लेके आते हैं। या मतलब आप किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, आज की तारीख में कहीं भी आप जाएंगे, आपको नेहरू जैकेट एक अच्छा एक डिफरेंट कहते हैं ना कि लोगों ने अपने स्वेटर्स को और अपनी दूसरी चीज़ों को हटा दिया, और नेहरू जैकेट को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि एक जंग मैंने छेड़ी थी 10-15 साल पहले, और आज उस चीज़ को सामने देख रहा हूँ तो बड़ी खुशी होती है मुझे। कोई एक स्टाइल सजेशन जो आप युवाओं को देना चाहेंगे अभी?
स्टाइल सजेशन का तो एक ही अभी जो इस वक्त है कि हमारा हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा फैब्रिक है खादी, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पहनने की कोशिश करें। बहुत रीजनेबल भी है और सब लोगों की पहुंच तक है, तो आराम से अफोर्डेबल भी है, और उसके अच्छे अच्छे लुक्स मैंने तैयार किए हैं, तो एक बार उसको ट्राई करके ज़रूर देखें। सो गाइस हमारे साथ है अब ज्वेलरी डिज़ाइनर सुनैना जी। सुनैना जी आपका स्वागत है सबसे पहले तो HVTV युवा में। मैं आपसे आपके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहूँगी, आपके डिज़ाइन्स के बारे में जानना चाहूँगी। जी जयपुर कटर शो में मैं इस बार जो डिज़ाइन शो करने जा रही हूँ वो काम मैंने मिर्ज़िया मूवी के लिए किया था। और मिर्ज़िया मूवी जैसे कि पीरियड पिक्चर बनाई गई है और उसके अंदर ट्राइब ज्वेलरी यूज़ करी गई है, तो उसी ज्वेलरी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मिक्स करके मैंने कुछ स्पेशल पीसेस बनाए हैं जो कि शो में मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ। एंड उसके अलावा जो जयपुर की अपनी स्पेशलिटी है जड़ाऊ वर्क, हैंडमेड वर्क, वो भी कुछ पीसेज में मैंने शो किया है सब्जेक्ट पीसेज में, तो उम्मीद है सब लोगों को पसंद आएगी ज्वेलरी। कोई एक ऐसा पीस जिसे आपको बहुत उम्मीद है, जो आपके लिए बेस्ट है। जी ऐसे तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए मेरा हर एक ही पीस मेरी सोल कनेक्ट रहती है मेरी हर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में। पर जैसे कि एक है स्पेशल पीस है जिसका नाम है मधुबन, उसके अंदर मैंने राधा कृष्णा के प्रेम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है, और वो पीस है जो मैं चाहूँगी कि लोगों की नज़र में आए और उसका काम लोग अप्रिशिएट करें कि उसमें कितनी कारीगरी करी गई है। सुनैना जी जैसे आजकल ज्वेलरी की तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो रहा है लड़कियों का, बहुत आप देख सकती है कोई भी मिनिमल सी ड्रेस एंड हैवी ज्वेलरी, तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे उन्हें? जी मैं तो यही चाहूँगी कि हमेशा लोग फैशनेबल रहें और डिफरेंट डिफरेंट वर्क को अप्रिशिएट करें, अलग नज़र से ज्वेलरी को देखें। पहले एक चला जाता था अपने यहाँ पे कि ठीक है शादी है, शादी में ज्वेलरी देनी है, और एक ट्रेडिशनली स्टाइल ऑलवेज इन रहता था, तो वो तो चलो हमेशा ही फैशन में रहेगा, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है ज्वेलरी में जो कि आप अपने काम में शो कर सकते हैं, इनोवेटिव चीज़ें। तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ अभी जो शो करने जा रही हूँ शो में, वो मॉडर्न जो कि न्यू फैशन को प्रेजेंट कर रहा है, तो होपफुली पसंद आना चाहिए लोग। अभी प्रेजेंटली ट्राइबल ज्वेलरी ट्रेंड में है, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आने वाला है? नेक्स्ट क्या आने वाला है ये तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी नेक्स्ट करूँ वो फैशन बन जाए। तो उसके लिए मुझे आपके गुड विशेस बिल्कुल, चाहिएंगे। HVTV युवा की सारे विशेष आपके साथ है, थैंक यू। तो गाइस वी हैव रिधिमा विद अस। रिधिमा मैं आपके कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगी। कॉन्सेप्ट इस बार जयपुर कुटियर शो में ये है कि हम खादी को प्रेजेंट कर रहे हैं, खादी विद स्प्रिंग समर ब्राइड्स। सो द कलेक्शन इज़ ऑल हैंड वोवन, हैंड क्राफ्टेड, सो एंड द लुक वुड बी मोर ऑफ समरी कलर्स एंड लॉट ऑफ पेस्टल शेड्स इन द कलेक्शन। सो दैट इज़ द लुक एंड द कॉन्सेप्ट फॉर द शो। बेसिकली मैंने देखा रिधिमा आपके डिज़ाइंस ब्राइडल ज़्यादा रहते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि शादियों का सीज़न है तो कुछ नया क्या है इस बार? इस बार नए में ये है कि हम खादी को कॉन्सेप्ट में ला रहे हैं। सो वेन एवर द ब्राइड वेयर्स एनी थिंग हैवी, उनको बहुत ज़्यादा थोड़े दिन बाद लेथार्जिक लगने लगता है, थोड़ा हैवी हो जाते हैं आउटफिट्स। सो दैट इज़ वॉट वी हैव केप्ट इन माइंड, एंड उस कॉन्सेप्ट में हमने बहुत लाइट वेट आउटफिट्स रखे हैं एंड बहुत समरी समरी फील दिया है। सो दैट इज़ वॉट द डिफरेंट थिंग वुड बी दिस टाइम, एंड ऑल्सो द क्राफ्ट्स आर वेरी डिफरेंट। बीइंग ए डिज़ाइनर मैं आपसे जानना चाहूँगी समर से तो इस बार कुछ क्या नया आ रहा है? समर्स हैं तो नए में तो देर लॉट ऑफ डिफरेंट शेड्स इन लाइन, जैसे ग्रे है, लाइम है, जो पहले ब्राइड्स नहीं लेते थे कलर्स में, कॉन्सेप्ट में नहीं लेते थे। सो इस बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल कलर्स आ रहे हैं फॉर समर्स, स्पेशली अ ग्रे कलर विच इज़ मेटालिक एंड ग्रे, विच विल ऑल्सो बी इन द समरी कलेक्शन। एंड वन स्टाइल सजेशन आप युवाओं को देना चाहें? डोंट गो ओवर द बोर्ड, ऑलवेज कीप इट मिनिमल एंड क्लासी। सो गाइस वी हैव पल्लवी विद अस। पल्लवी मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके कॉन्सेप्ट के बारे में, डिज़ाइंस के बारे में। मेरे कलेक्शन का नाम है एलिगेंस डिकोडेड। ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है कि हाउ प्रेजेंट डे वुमेन कैन एम्पावर हर सेल्फ
थ्रू गेन्ड कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस कैसे हम गेन करवा के और उनको एक एम्पावरमेंट की फीलिंग दे सकते हैं. सो बेसिकली हमने नेचुरल फैब्रिक्स यूज़ किए हैं इसमें, हैंड वोवन फैब्रिक्स यूज़ किए हैं एंड कलर्स बहुत फेमिनिन भी हैं, बहुत बोल्ड भी हैं. इंडो वेस्टर्न कलेक्शन है कम्प्लीटली एंड कॉस्मोपॉलिटन जो सिटी है हमारी जयपुर, क्योंकि इतने विजिटर्स आते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उनकी थिंकिंग कैसे हम जयपुर में आकर वो कैसे जयपुर की थिंकिंग चेंज करते हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाते हैं, उसके बारे में है. कोई एक ऐसा डिज़ाइन, कोई कॉस्ट्यूम जो कि आपका बेस्ट है? जो रेड कार्पेट ड्रेसेस हैं वो कलेक्शन मेरा फेवरेट है, दैट इज़ टू वॉच आउट फॉर. ओके, सो मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूँगी, ये कोई सजेशन, स्टाइल सजेशन हमारे युवाओं के लिए? मैं कहती हूँ फैशन ड्रेसेस के बारे में नहीं होता है, फैशन इज़ इन योर माइंड. आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या ओकेजन है, उसके बारे में है फैशन. इट इज़ नॉट अबाउट क्लोथ्स. एक फटी हुई जीन्स भी फैशन होती है, एक रेड कार्पेट ड्रेस भी फैशन होती है. तो आप, आपके माइंड में क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी पर्सोना क्या है, दैट इज़ फैशन. गाइस, ये तो थे जयपुर शहर के कुछ फेमस फैशन डिज़ाइनर्स जो कि हमारी जयपुर शहर को नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं. फिलहाल के लिए इतना ही, वक्त तो चला हमारे जाने का, लेकिन आप देखते रहिए HVTV युवा.